डीएवी मार्केट में आईवीवाई संस्थान में स्टोर बीएसबीडब्ल्यू द्वारा फूड फेस्ट नामक एक कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया, जो शिक्षा, विदेशी अध्ययन और आव्रजन के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध नाम है। इस मौके पर कई फूड स्टॉल लगाए गए, कई व्यंजनों के साथ वहां बहुत सारे खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाए गए, जिनका प्रबंधन और प्रदर्शन उपरोक्त 3 संगठनों के छात्रों द्वारा किया गया। दिन भर मेहंदी, हस्ताक्षर, सांस्कृतिक प्रदर्शन जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। समाज के सभी वर्गों द्वारा खाद्य स्टॉलों पर भीड़ उमड़ी रही। जाहिर है कि इस फूड फेस्टिवल में हजारों से ज्यादा लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। एक विशाल और सफल आयोजन के लिए छात्रों के साथ साथ उनके गुरुओं की भी सराहना की गई। अंत में यह एक सुव्यवस्थित और भव्य आयोजन था, जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रशंसा की बात है। हाँ जी, मेरा नाम अमनप्रीत सिंह है जी। मैं प्रोजेक्ट हैड हाँ इतने आई एजुकेशन सोसाइटी के। असी आई वी इंस्टीट्यूट ग्रैजुएशन पोस्ट ग्रैजुएशन कोर्स करवाने हैं। मैस्ट्रो के आयोजन पी टी ई है जी, तो बी एस बी डब्ल्यू ना असं इमीग्रेशन के भी काम करते हैं। असी सारी संस्था मिल के एक फूड फेस्ट इतने करवाया है, जिद जो भी साढ़े स्टूडेंट्स ने या जो आउटसाइडर्स ने सारे इनवाइटेड ने, जो साढ़े को फूड स्टॉल्स लगे ने या गेम्स लगी हैं, वो सारा कुछ साढ़े अपने स्टूडेंट्स ने खुद प्रिपेयर करके तो आप मैनेज कर रहे हैं। उन्हों की अपनी सेल हो रही है। असं ये तो किया गया था कि बच्चों के थोड़ा तो निकल के आए कि असं खुद कुछ कर सकते हैं, तो एक वधिया इनिशिएटिव लिता जाए, उस चीज़ करके असं करवाया, तो बाकियों को इनकरेजमेंट मिले। बाकी कोविड तो बाद कुछ इदा का माहौल बनया हुआ सीगा, उन्हें थोड़ा जहा रिलैक्स करने लिए भी असं कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइज करवाया गया जी। क्या नाम आपका? तीनों आइटम एक एक। दीक्षा, क्या बनाया आपने आज? आज तो बनाया हमने और साथ में बारबेक्यू डिशन में हमने पनीर टिक्का, मशरूम एंड वो क्या कहते हैं, चाप। पनीर, मशरूम और चाप। अच्छा, कितने आपके बीबीए के बच्चे हो आप? कितने एमबीए? कितने बच्चे इसमें लगे हैं आपके? और कैसे लग रहा है आपको ये अपने? बहुत बढ़िया लग रहा है, एंजॉय भी कर रहे हैं साथ में, साथ में कस्टमर डीलिंग भी कर रहे हैं, साथ में हमें पता भी लग रहा है कैसे करना है, पता भी लग रहा है बिजनेस कैसे करते हैं, और छोटी छोटी चीज़ों का जो हम घर बैठ के या थ्योरी पढ़ के नहीं समझ सकते, वो ऐसे फूड फेस्ट लगा के कॉस्ट मैनेज करके सब कुछ हमें बहुत अच्छा लग रहा है। क्या भविष्य में आगे क्या करना चाहते हो आप? सर आगे सारे नु सत श्रीकाल। मेरा नाम सिमरन है, मैं करियर एडवाइजर कम सेंटर हेड हाँ आई वी इंस्टीट्यूट की। अज जरा आई वी इंस्टीट्यूट बी एस बी डब्ल्यू और मैस्ट्रो की तरफों अज फूड फेस्ट जरा ऑर्गेनाइज किया, जिन्हों मैनेज कर रहे साढ़े स्टूडेंट्स, साढ़े स्टार्स अज के है साढ़े स्टूडेंट्स जिन्होंने फूड फेस्ट ऑर्गेनाइज किया, सारा मैनेज किया है। बहुत अच्छे अच्छे तुहाडे लई फूड यमी स्नैक्स जिहड़े रेडी किए हैं। साडा मेन मोटिव अज दे प्रोग्राम का यही है कि ये जिहड़ा यूनिटी च वर्क करना इन्हां नूं आवे, ग्रुप दे विच काम करना आवे, क्योंकि कल नूं इन्हां ने सारे ने जॉब्स करनी है ते या बाहर जाना है, तो इन्हां नूं यूनिटी दे विच ग्रुप दे विच काम करन दी एक असीं जो है असीं सिखाना है। नाल नाल साडा ये मोटिव है कि मैनेजमेंट दे बच्चे है, मार्केटिंग दे बच्चे है, तो इन्हां नूं सेल्स भी आवे, फाइनेंस भी मैनेज कर सकन, क्योंकि आज इन्होंने फूड अपना ऑर्गेनाइज किया है, सारा मैनेज किया है, वो जे कैश काउंटर भी वो खुद ही संभाल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ा जो सा मेन मोटिव है वो यही है। दूसरी चीज़ है कि बच्चों ने बहुत सोहनी परफॉर्मेंस दिखती है, टैलेंट है बच्चों में, उन्होंने ये लगता है कि असं कितने एक्सप्लोर करिए, उन्होंने एक स्टेज चाहिए होंगे, उस स्टेज असं उन्होंने प्रोवाइड किया है ताकि वो अपनी जो परफॉर्मेंस है बहुत सोहनी सोहनी परफॉर्मेंसेज है वो दे सके, क्योंकि एक आर्टिस्ट नू एनकरेजमेंट की लोड़ होंदी है। किन्ने किन्ने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया जे? इहदे विच घट्टो घट्ट 50 बच्चे है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, अलग अलग परफॉर्मेंसेज जड़ी दे रहे हैं। लुधियाना से बलबीर मल्होत्रा की रिपोर्ट, सिटी होम न्यूज़।